हेलो एवरीवन स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी यहाँ पे हंड्रेड डे सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं यूपीपीसीएस पी पी सी स्टेट सर्विसेज के जो भी आने वाले एग्जाम्स होंगे उसमें पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसकी प्रॉपर तैयारी आप लोगों को करवाई जा रही है आ, ये जो पर्टिकुलर नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा तो अगर ये आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर नोट्स के माध्यम से आपको क्वेश्चन ही पढ़ाए जा रहे हैं उसके बाद आशा करती हूँ कि मैं आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे जैसे कि घटना चक्र या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं उसके बेसिस पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ ही हर लेक्चर के एंड में या फिर लेक्चर के इन बिटवीन भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती रहती हूँ तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा इनकरेजमेंट के साथ जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं साथ ही जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स भी आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं ठीक है तो आपके कमेंट्स को पढ़ा जाता है साथ ही रिव्यू किया जाता है तो अगर आपके जो भी सुझाव होंगे डाउट्स होंगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन uh, किया जाएगा और जो भी आप लोग आंसर्स देते हैं उसके लिए uh, अच्छी बात है अप्रीशिएबल है बिकॉज उससे क्या होती है आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग होती है आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है यदि आप लोग ज़्यादा इंकरेजमेंट के साथ पार्ट लें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से क्वेश्चन के आंसर्स लिखा करिए इसके साथ ही जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप लिख सकते हैं ठीक है कोशिश मैं ये करूँगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी मैं आपसे पूछती हूँ उसकी संख्या थोड़ी और बढ़ा दी जाए ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो और स्ट्रॉग होती रहे आज का जो टॉपिक है वो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी इसमें राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में लास्ट के लेक्चर में मैंने तीन टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाए थे जिसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ा था उद्देशिका यानी कि पेम्बल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया ठीक है तो शासन प्रणाली प्रेनाल, के बारे में हमने पढ़ा था उसके साथ ही हमने पढ़ा था जो राज्य के कुछ इंपॉर्टेंस चिन्ह होते हैं नेशनल uh, सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ा था ठीक है तो अगर क्विक uh, रिवीजन हम लोग करें या मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ प्रियम्बल के बारे में तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है हम भारत के लोग इसको आप लोग याद कर सकते हैं ठीक है मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि प्रियम्बल जो है उद्देश्य का जो है इसको पूरा पूरा याद कर लीजिए आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आपके आने होंगे प्रियम्बल से संबंधित वो सभी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे अगर प्रॉपर प्रियम्बल से पूछे जाते हैं बाकी इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि कुछ वाद है जिनके बारे में हमने पढ़ा था उस पर भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सॉरी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिक को सामाजिक सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ठीक है तो आ, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करते हैं इसके साथ ही विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तो कितने प्रकार की आ, लिबर्टी प्रो प्रोवाइड की जा रही है थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ठीक है इसकी फ्रीडम है और इसकी लिबर्टी प्रोवाइड की जा रही है समता जो इक्वालिटी जो वो दो प्रकार की है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रतिष्ठा और अवसर की और इसके साथ ही फ्रेटर्निटी एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल साथ ही जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है ठीक तो है तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता साथ अखंडता और साथ ही व्यक्ति की गरिमा पर भी ध्यान दिया जा रहा है ठीक है बंधुता को बढ़ाने के लिए ये सारी बातें जो है ये सॉफ्टन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कौन से वर्ड्स जो थे वो जोड़े गए थे फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये सभी बातें आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दी गई है ठीक है फिर छब्बीस नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन का दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दिन अडॉप्ट इन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन uh, इज uh, मतलब दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन टू आर सेल्फ ठीक है तो इसमें यहाँ पे अंगीकृत किया जाता है अधिनियमित किया जाता है और आत्मसमर्पित किया जाता है ठीक है तो प्रियाम्बल जो है वो उद्देश्य का, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही मिलकर बना था जो कि तेरह दिसंबर को प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नाइनटीन में इसके बाद बाईस जनवरी नाइनटीन को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था सहमति बन गई थी इसकी साथ ही जो फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें तीन वर्ड्स जोड़े गए थे सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी ठीक है इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको बताया था एस एस आई के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं इसके बाद हर ये जो वर्ड लिखा हुआ है सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन सभी वर्ड्स के मायने क्या होते हैं मतलब क्या होता है ये सभी मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था इसके बाद कितने प्रकार की न्याय प्रदान किया जाता है सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इसके साथ ही कुछ, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी जैसे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कुछ बातें कही थी के एम मुंशी ने कहा था इसको हॉरोस्कोप की तरह कुछ इंपॉर्टेंट वाद हैं इसके बारे में जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला हो जाता है 1960 का बेरुबारी का जिसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था ठीक है तो याद कर सकते हैं आप है इसमें अंग नहीं माना गया था 1960 के बेरुबारी के में नेक्स्ट आता है 1967 का जिसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस है इसमें उद्देशिका को मूल आत्मा माना गया है ठीक है ये वर्ड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आ, मूल आत्मा किसमें माना गया क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप साथ ही मेन्स आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं तो मूल आत्मा माना गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य नाइनटीन में इसके साथ नेक्स्ट आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है नाइनटीन में इसमें उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया था ठीक है तो इसका भाग माना गया था इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके साथ ही जो लास्ट केस होता है वो 1994 में मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था जिसमें उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है ठीक है तो एक में मूल आत्मा न, सबसे पहले केस में जो बेरुवारी का केस है उसमें तो अंग माना नहीं गया है दूसरे में मूल आत्मा माना गया है तीसरे में भाग माना गया है और चौथे में भी भाग माना गया है ठीक है इस तरह से चारों केसेस आप लोग याद कर सकते हैं फिर कुछ स्वतंत्रता लिबर्टी या फिर फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता इक्वलिटी प्रदान की जा रही है इसके साथ ही जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय आर्टिकल थर्टी टू को जिसको संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है सुभा सुभाष कश्यप ने कहा था संविधान को शरीर प्रस्तावना को उसकी आत्मा ठीक है राजनीतिक जन्म कुंडली कहा गया था के एम मुंशी के द्वारा बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के नाम से संबोधित किया था ठीक है नेक्स्ट आता है शासन प्रणाली द गवर्नेंस सिस्टम कितने प्रकार का होता है आ, ये हमने पढ़ा था तो पहला होता है राजतंत्र जिसमें कोई व्यक्ति होता है जो कि राजा होता है आ, उसके अ, अंडर ही एक हेरिडिटरी पोस्ट होती है कि राजा का बेटा राजा बनता है और इस तरह से शासन चलता रहता है फिर कुलीन तंत्र होता है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं ऑटोक्रैट्स होते हैं एरिस्टोक्रेसी कहा है जाता है इसमें और उन वही लोग शासन करते हैं ठीक है फिर तानाशाही होता है जिसमें डिक्टेटरशिप होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया में एक डिक्टेटरशिप है तानाशाही चलती है वहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन है जो खुद खुद को रूलर बताते हैं उस पर्टिकुलर एरिया का ठीक है ये डिक्टेटरशिप में आता है फिर आता है प्रजातंत्र डेमोक्रेसी लोकतंत्र भी कहा जाता है इसमें जैसे इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन व्यक्ति होता है जो कि शासन व्यवस्था देखता है वो आ, चुना जाता है ठीक है तो इलेक्ट किया जाता है हम लोग जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं क्योंकि हम जो लोग हैं वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं ठीक है तो सभी लोग जो हैं प्रतिनिधि चुनते हैं इस तरह से इसमें संसदीय शासन व्यवस्था भी आती है साथ ही एक प्रेसिडेंट को भी चुना जाता है इस तरह से शासन व्यवस्था जो है चलती है डेमोक्रेटिक कंट्री की नेक्स्ट है कुछ राज्य के चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैंने बताए थे एक सोवरेनिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन होनी चाहिए टेरिटरी होनी चाहिए भूभाग होना चाहिए और साथ ही सरकार या सत्ता गवर्नमेंट होना चाहिए ठीक है उसके बाद हमने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में कुछ बातें जानी थी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बातें जानी थी साथ ही प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दी स्टेट होता है ये बात हमने जानी थी Uh, फिर यहाँ पे आता है प्रेसिडेंशियल अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करता है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है ठीक है तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में नहीं है ठीक है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में नहीं फॉलो की जाती है क्योंकि इंडिया में एग्जीक्यूटिव हेड होता है साथ ही नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट का ठीक है तो प्रेसिडेंट का कितना रोल होता है ये आ, इंडिया में और आज के टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव ज़्यादातर संभाला जाता है प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही प्रेसिडेंट एज सच कुछ खास इंपॉर्टेंट पोस्ट अब आपके टाइम में रह नहीं गई है क्योंकि अब अक्सर आपने देखा होगा कि पीएम जिसको चाहता है उसी को प्रेसिडेंट बनाता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स नहीं दी जाती है उसको एक नॉमिनल हेड की तरह रखा जाता है जो भी बात है आप उससे कहते हैं प्रेसिडेंट जो होता है वो ज़्यादातर वो बातें मान लेता है तो यहाँ पर यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है प्रेसिडेंट की पोस्ट को हमने इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है ठीक है फिर मैंने आपको बताया था कुछ हमें हमारे संविधान की कुछ बातें ऐसी हैं जो इसको फेडरल सिस्टम बनाती है और कुछ बातें ऐसी है जो कि इसको यूनिटरी सिस्टम बनाती है ठीक है एकात्मक शासन और संघात्मक शासन ठीक है तो यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम फेडरल सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे वो मैंने आपको बताए थे जैसे कि अगर यूनिटरी सिस्टम की बात की जाए तो राज्यपाल का पद आता है ऑल इंडिया सर्विसेज आती है सिंगल सिटीजनशिप आती है आपातकाल का जो प्रावधान होता है राज्यसभा के असमान प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व जो होता है ये भी यूनिटरी सिस्टम को दर्शाता है ठीक है ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो इसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल के फॉर्म में मिल जाएगा जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा चार पांच पॉइंट्स दिए होंगे कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बताता है ठीक है तो उसमें कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी एक सेंटर को स्ट्रोंग कर रही है ठीक है तो जब भी, भी कोई चीज़ सेंटर को स्ट्रोंग करती है तो वो उसकी यूनिटरी पावर uh, होती है यूनिटरी सिस्टम होता है और यदि कोई भी सिस्टम जो होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट है सेंटर के लेवल पे, हाई कोर्ट है हमारा लोअर uh, लेवल पे, प्रोविंज लेवल पे, तो यहाँ पे क्या हो रही है शक्ति का क्या हो रहा है एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन uh, हो रहा है तो पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होती है ये फेडरल सिस्टम का पार्ट होता है ठीक है तो फेडरल सिस्टम का होना इसमें पावर्स का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है ठीक है कुछ सेंट्रल लेवल पे होते हैं जैसे कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जब मैं का स्टार्टिंग का लेक्चर देख रही थी कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है ठीक है तो एक यूनियन लिस्ट होती है एक फेडरल लिस्ट होती है इसमें क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन किया जाता है एक लिस्ट बना के जो कि सेंटर द्वारा लॉज बनाए जाते हैं और एक लिस्ट बना के जो कि प्रोवेंसेज द्वारा लॉज बनाए जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है फेडरल नेचर को दिखाती है तो इंडिया में क्या है एक तरह का फेडरल नेचर भी स्थापित है और साथ ही यूनिट्री सिस्टम भी स्थापित है इसलिए इसको अर्ध संघात्मक राज्य कहा जाता है कंट्री कहा जाता है यहां राज्य का मतलब एक स्टेट से नहीं है कलेक्टिवली किसी एरिया को राज्य के नाम से संबोधित किया गया है इसलिए जो हमारी कंट्री है वो क्वासी फेडरल कंट्री है ठीक है क्वासी फेडरल ये केसी सी वी, वीलर द्वारा कहा गया था भारत को क्वासी फेडरल कंट्री साथ ही जी ऑस्टिन के द्वारा इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया था सहकारी संघवाद साथ ही के वीलर ने इसको ये भी कहा था कि आ, कुछ अधिक स्ट्रोंग साथ ही थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन साथ ही बी आर अम्बेडकर ने कहा था संविधान को संघ संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है ठीक है तो यहाँ पे क्या है सिर्फ फेडरलिज्म ही नहीं प्रोवाइड किया गया है कुछ जगह पे यूनिटरी सिस्टम भी प्रोवाइड किया है इस तरह से दोनों मिलजुल के एक सरकार बनी है जिसमें फेडरल सिस्टम भी है और यूनिटरी सिस्टम भी है इसके बाद आता है नेशनल कुछ सिम्बल्स के बारे में हमने बात की थी जैसे कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें तीन कलर्स जो हैं वो तीनों कलर्स सिम्बलाइज करते हैं कोई ना कोई आ, किसी ना किसी चीज़ को जैसे कि हमारा जो आ, केसरी रंग है तो यहाँ पे जो केसरी रंग है ऑरेंज कलर वो दिखाता है स्ट्रेंथ को श्वेत रंग शांति और सच्चाई को दिखाता है हरा रंग जो है वो उर्वरता उर्वरता फर्टिलिटी uh, और साथ ही प्रोस्पेरिटी समृद्धि को दिखाता है यहाँ पे ये थ्री टू टू का अनुपात होता है इसमें लंबाई और चौड़ाई के बीच में साथ ही इसमें 24 तिल्लियां हैं जो नीला चक्र बना है सफेद पट्टी में इसमें 24 तिल्लियां हैं और अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है इसको जो कि न्याय को दर्शाता है यहाँ पे आ, पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में ठीक है इंपॉर्टेंट है बाईस जुलाई नाइनटीन को इसको अडॉप्ट किया गया है आ, राज चिन्ह जो है वो अशोक के सिंह स्तंभ स्तंभ से लिया गया है और इसको 26 जनवरी उन्नीस को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को हमारा राज चिन्ह जो है अडॉप्ट किया गया था सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है राष्ट्रगान जो जनगण मन है इसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन जो है राष्ट्रगीत भी अडॉप्ट किया गया था चौबीस जनवरी उन्नीस को ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम अडॉप्ट किया गया था ठीक है तो साथ ही जो वंदे मातरम है ये लिया गया है बमकिन चंद चटर्जी के आनंद मठ से और जो जनगण मन है उसको लिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है याद कर सकते हैं आप पहली बार कब गाया गया था ये भी मैंने आपको बताया है इसके साथ ही कुछ चीज़ें जैसे गंगा डॉल्फिन इसको भारत का एक्वेटिक एनिमल नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है नेशनल ना, एनिमल जो है उसको मोर घोषित किया सॉरी टाइगर घोषित किया गया है और राष्ट्रीय पक्षी जो है उसको मोर घोषित किया गया है ठीक है तो यहाँ पे आ, इंडियन पिकॉक जो है वो राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है इसके साथ ही 2008 में राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा नदी को घोषित किया गया था और साथ ही और भी इंफॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपको दी थी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्टेट्स और यूनियन युन यूनियन टेरिटरीज के साथ ठीक है तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ठीक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया था ठीक है भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनाए गए थे देसी रियासतें जो थी उनके समक्ष तीन विकल्प रखे गए थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके समक्ष तीन विकल्प रखे गए थे या तो वो भारत में शामिल हो जाएं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर स्वतंत्र रहें ठीक है तो भारतीय सीमा के अंतर्गत फाइव देसी रियासतें थीं उस वक्त तो पे फाइव जिसमें से फाइव जो थी वो भारत में शामिल हो गई थी ठीक है 1947 तक आते आते इंडिपेंडेंस डे तक इतनी रियासतें जो थी वो एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने भारत में रहना लेकिन जो तीन आ, राज्य थे जिसमें हैदराबाद जूनागढ़ और कश्मीर आते हैं ये भारत में शामिल होने से इन्होंने मना कर दिया था ठीक है इसके बाद जो हैदराबाद है इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल कर दिया गया था इंडिया इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन चलाया गया था जिसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है ठीक है ठीक है तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा इंडिया का पार्ट बना लिया गया था इसके साथ ही जो जूनागढ़ है इसमें जनमत संग्रह हुआ था ठीक है एक काइंड kind ऑफ of, पोल करवाया गया था पोलिंग करवाई गई थी जिसमें जनता से पूछा गया था कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं ठीक है तो जनता का जो जनता की जो राय थी वो थी इंडिया के साथ जुड़ना तो यहाँ पे जनमत के संग्रह से पता चला कि जूनागढ़ जो है उसको भी इंडिया का पार्ट मान लिया गया है हालांकि जो जूनागढ़ के राजा थे वो भाग गए थे पाकिस्तान में तो यहाँ पे हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों को ही इंडिया का पार्ट बना लिया गया था जो कश्मीर है इसको कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था विलय पत्र जिसको कहा जाता है जिसके तहत कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना दिया गया था बट कश्मीर को स्पेशल स्टेटस uh, भी प्रोवाइड किया गया था आर्टिकल तीन के द्वारा ठीक है स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था आ, इसके साथ ही भाग ए तो यहाँ पे क्या था ठीक है तो संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों और क्षेत्रों को चार भाग में वर्गीकृत किया गया था पहला आता है भाग क ए पार्ट ए इसमें वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था ठीक है तो ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर का शासन था वो पार्ट ए में आते थे भाग ख जिसमें राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन हुआ करता था ठीक है तो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे जो कि राज्य प्रमुख के द्वारा गवर्न किए जाते थे उसके बाद आता है भाग ग पार्ट सी जिसमें ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन जहाँ पे चीफ कमिश्नर हुआ करते थे उन क्षेत्रों को इंक्लूड किया गया है पार्ट सी में उसके बाद पार्ट डी आता है जिसमें अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था ठीक है ठीक है तो यहाँ पे चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया बाद में जब स्टेट रीऑर्गे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तब ये सभी चारों पार्ट्स को ख़त्म कर दिया जाता है ठीक है तो फिर वो नई चीज़ आती है जिसमें हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड करते हैं इंडिया के सभी राज्यों को ठीक है उसके बाद आता है संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट सब क्लॉज फर्स्ट ठीक है तो यहाँ पे अनुच्छेद एक है और इसका सब क्लॉज एक है इसके अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा ठीक है तो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है इसको अनुच्छेद दो जो है वो भारतीय संघ के नए राज्यों में के प्रवेश या स्थापना की संसद को शक्ति प्रदान करता है ठीक है तो यहाँ पे अनुच्छेद दो जो है वो इससे पहले मैंने आपको बताया कि यदि कोई राज्य जो कि इंडिया से बाहर की टेरिटरी में है और इंडिया जो है वो उसको आ, उस पर तरह का कब्जा कर लेती है या फिर उस टेरिटरी पे हक अपना जमाती है तो वहाँ का जो राज्य है वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा और ये सभी चीज़ें होंगी आर्टिकल दो के तहत ठीक है आर्टिकल दो के तहत उसके बाद अनुच्छेद तीन आता है जिसमें नए राज्यों का निर्माण किया जाता है वर्तमान राज्यों में से ही ठीक है तो सभी जो स्टेट्स हैं उन्हीं में से यदि किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है या फिर उसकी सीमा क्षेत्र बदला जाता है या फिर उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है तो इस इसकी जो शक्ति संसद को प्रदान की गई है ये आर्टिकल थ्री के तहत की गई है आ, ये सभी जो होती हैं अनुच्छेद थ्री के तहत जो भी चेंजेस किए जाते हैं इसके लिए सिंपल मेजोरिटी ठीक है साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण किया जाता है तो यहाँ पे साधारण बहुमत मतलब जो भी व्यक्ति हैं प्रेजेंट उनमें से यदि पचास प्रतिशत लोग जो वोटिंग कर रहे हैं और समर्थन में हैं उनमें से मतलब सभी लोगों में से 50 प्रतिशत लोग अगर समर्थन दे देते हैं एक पर्टिकुलर बिल को तो वो बिल पास हो जाता है और उस राज्य का डिवीज़न कर दिया जाता है ठीक है यहाँ पे भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने उसमें परिवर्तन करने नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्य की अनुमति के कदम उठा सकती है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यह बिल लाया जाता है तो उस वक्त प्रेसिडेंट से पूछा जाता है और प्रेसिडेंट जो होती है वो इन रिटर्न स्टेट लेजिस्लेचर से पूछती है कि हम ऐसा कोई एक डिसीजन लेने वाले हैं जिसमें आपके राज्य की सीमा को परिवर्तित किया जाएगा या फिर आपके राज्य का नाम बदला जाएगा या फिर आपका राज्य को आ, में से कोई और राज्य बनाया जाएगा यहाँ पे ये पूछा जाता है लेकिन Uh, सहमति जो होती है वो या तो स्टेट जो होता है वो सहमत हो सकता है या तो असहमत हो सकता है तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो इस चीज़ को इस चीज़ से ज़रा भी उसको फर्क नहीं पड़ता कि एक राज्य जो है वो सहमत है या असहमत है ये सारी प्रोसीडिंग जो होती है ये पार्लियामेंट के द्वारा की हो होती है इसमें राज्य की अनुमति लेना ज़रूरी नहीं होता है इसके साथ ही जो अमेंडमेंट होते हैं दो और तीन के तहत ये आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर होते हैं ठीक है तो आर्टिकल 368 में संविधान को संशोधन किया जाता है संविधान संशोधन किया जाता है ठीक है लेकिन इस हेतु संविधान संशोधन को अन, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा ठीक है तो आर्टिकल टू और थ्री के तहत जो भी संशोधन होते हैं वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर अंतर्गत नहीं आते हैं आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर हैं ठीक है थीके? उसके बाद वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और आठ संघ राज्य क्षेत्र हैं ठीक है ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं और एट यूनियन टेरिटरीज हैं संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है ऐसा भी कर सकती है कि इंडिया का को कोई पार्ट जो है वो किसी और कंट्री को दे दिया जाए ठीक है जैसे बांग्लादेश के साथ जब हमारी सीमा जो है उसको सीधा किया जा रहा था तो बहुत सारे ऐसे कंट्री सॉरी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिनको बांग्लादेश में शामिल कर दिया गया था ठीक है तो ये ये शक्ति भी संसद के पास है संविधान के द्वारा दी गई है इसके साथ ही जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर इम्पॉर्टेंट नाम है इसके धर के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक इस तरह का जो भाषा के आधार पर प्रांत का एक आयोग बनाया गया था इसकी नियुक्ति की गई थी जून 1948 में ठीक है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की ठीक है आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पे करने के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की ठीक है तो हाँ, कोई भी राज्य जो है उसको बनाया जाएगा तो ये नहीं सोचा जाएगा कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है इसलिए ये राज्य बनाया जा रहा है बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ठीक है कि किस तरह से प्रशासनिक सुविधा मिल सकती है उस राज्य बनाए जाने चाहिए ऐसा इनका कहना था इसके कमेटी का इसके बाद दिसंबर uh, 1948 में जब मतलब जब ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई दिसंबर 1948 में उसी टाइम पे एक और कमिटी बनाई गई ने में कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन के अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए जे समिति का गठन किया ठीक है तो यहाँ पे जे जो है ये इनिशियल नाम है जिसमें आते हैं जवाहरलाल नेहरू वी से आते हैं वल्लभ भाई पटेल और पी से आते हैं पट्टा भी सीता ठीक है तो जे पी समिति कमीशन याद रखना चाहिए आपको ये इन्होंने भी ये कहा कि इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी 1949 में तो दिसंबर 1948 में इसका गठन होता है अप्रैल 1949 में रिपोर्ट देते हैं जिसमें ये प्रस्तुत किया गया कि इन्होंने भी औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो है वो भाषा नहीं होना चाहिए ठीक है तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का डिवीजन जो है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया ठीक है जबकि 1953 में एक घटना होती है जिसमें लिंग्विस्टिक आधार पर ही भाषा के आधार पर ही एक राज्य का गठन किया जाता है जिसमें एक आ, पर्टिकुलर व्यक्ति हैं पोटी श्री रामुल्लू ठीक है ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने छप्पन दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल करते हैं ये लोग ये पर्टिकुलर व्यक्ति 56 डेज की भूख हड़ताल करते हैं उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है उसके कारण काफी रोष होता है लोगों में और इसलिए भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ता है ठीक है तो यह पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पे इसका गठन किया जाता है 1953 में इसका गठन होता है तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है ठीक है आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था नाइनटीन में ठीक है तो उसी वर्ष जिस वक्त जिस वर्ष पे इनकी मृत्यु होती है उसी वर्ष एक आयोग का गठन किया जाता है जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है 1953 ठीक है इसकी अध्यक्षता जो थी वो फजल अली ने की थी दो और मेंबर थे के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू ठीक है ये सभी नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस आयोग की, की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया था ठीक है तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया जाता है जो कि लेटर ऑन कुछ रिकमेंडेशंस देती है उसी के आधार पर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट नाइनटीन लागू किया जाता है ठीक है ठीक है फिर यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है नए राज्यों के गठन का ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें आपसे कुछ राज्यों के नाम लिखे होंगे और उनके गठन का वर्ष लिखा होगा डेट के साथ ठीक है तो ये आपको याद होना चाहिए मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे सो so, पहला राज्य जो था वो है आंध्र प्रदेश जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था फर्स्ट अक्टूबर 1953 को ठीक है याद कर लीजिए 1953। नेक्स्ट आता है गुजरात जिसको सौराष्ट्र से अलग करके बनाया गया था तो गुजरात जो है ये फॉर्म होता है फर्स्ट मई 1960 को 1960 में गुजरात का गठन किया जाता है ठीक है उसके बाद आता है नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का जो पहला स्टेट है फॉर्म फॉर्म होता है वो है नागालैंड नागालैंड फर्स्ट दिसंबर 1963 को बनाया जाता है इसके बाद आता है हरियाणा जो कि एक नवंबर 1966 को गठन किया जाता है इसका ठीक है अभी यहाँ पे अगर आपको डेट नहीं याद हो रही है तब भी इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है बस आप ईयर याद रखिए बिकॉज ईयर याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो उन्नीस ये ज़रूर से याद रखिए हरियाणा का गठन जो है वो इसी वर्ष किया गया था 1963 नागालैंड से रिलेटेड है इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था बाद में इसको राज्य घोषित कर दिया गया 1971 में ठीक है इसी के एक वर्ष के बाद तीन राज्यों का गठन किया गया नॉर्थ ईस्ट में मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा ठीक है लोकेशन आपको पता ही है मेघालय मणिपुर और आ, त्रिपुरा इन तीनों का गठन 21 जनवरी 1972 को किया जाता है ठीक है 1972 याद कर सकते हैं आप तीनों का डेट जो है वो सेम है 1972 में तीन राज्यों का नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों का गठन होता है मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा इससे पहले नागालैंड का गठन कर दिया गया था इसके बाद आता है सिक्किम वेस्ट बंगाल से अलग करके सिक्किम राज्य बनाया जाता है नाइनटीन सेवनटी याद कर सकते हैं आप तो, लोग इसके बाद अनदर एक नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है मिजोरम इसको बनाया जाता है 1987 में 1987 20 फरवरी 1987 को एक और राज्य का गठन किया जाता है अरुणाचल प्रदेश तो ये भी दोनों आप लोग याद कर सकते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन एक ही दिन और एक ही वर्ष में हुआ था 20 फरवरी 1987 इसके बाद 1987 में ही गोवा का भी गठन किया जाता है गोवा राज्य के रूप में बना बनाया जाता है 30 मई 1987 को उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ एक नवंबर 2000 अभी 2000 में तीन आ, अलग अलग आ, राज्यों का गठन किया गया है ये तीनों ही राज्य और तीनों की डेट भी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में डेट के साथ पूछा गया था ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये भी आप याद रख सकते हैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनाया गया था ठीक है सी से मैं लिख रही हूँ उसके बाद आता है उत्तराखंड उसके बाद आता है झारखंड ठीक है याद कर सकते हैं आप सी यू जे करके तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ फर्स्ट नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में बना था और झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 में इसका गठन किया गया था इसके बाद जो अंतिम राज्य है वो है तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 में इसका गठन किया गया है ठीक है इसके बाद ये सभी 28 स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया जो भी नए राज्य बनाए गए थे नए राज्यों का गठन किया गया था किस वर्ष किया गया था एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है ये लिस्ट जो है वो आपको याद होनी चाहिए बार बार उसको रिवाइज़ करिए ये पूरी लिस्ट जो है ये बनाई गई है ये एक बार खुद से भी इसको लिखने की कोशिश करिए सेल्फ़ रिटर्न नोट्स पे मैं अक्सर ज़ोर देती हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये तो प्रोवाइड कर ही दिए जाएंगे आपको आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं साथ ही इसको अपने खुद की खुद से लिख सकते हैं तो खुद से लिखने में क्या होता है कि वो बातें आपके दिमाग में जो होती है वो ज़्यादा दिनों के लिए बैठ जाती हैं इसके साथ ही कुछ यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं आठ यूनियन टेरिटरी है करेंटली और इसमें सबसे पहला है दिल्ली, चंडीगढ़ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख फिर पुदुचेरी पुदुचेरी में चार चीज़ें आती हैं मतलब पुदुचेरी इट्सल्फ उसके बाद यनम माहे करिकल ठीक है ये सभी पुदुचेरी का ही पार्ट है और अलग अलग लोकेशंस पे हैं इसकी लोकेशंस आप लोग देख सकते हैं मैप में इंडिया के मैप में ज़रूर से देख लीजिए क्योंकि ये सभी पार्ट जो है वो एक ही यूनियन टेरिटरी का है उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ठीक है पहले ये अलग अलग हुआ करती थी अब इनको कंबाइंडली एक ही यूनियन टेरिटरी माना गया है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ठीक है तो ये सभी जो है ये आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं इसके साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ लोकसभा की सीट्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज को दी गई है ठीक है तो आर्टिकल 81 के द्वारा जो कि अमेंड किया गया है इकतीसवां अमेंडमेंट एक्ट है 1973 में इसमें गोवा दमन दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 कहा जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लोकसभा मैक्सिमम जो इलेक्टेड मेंबर्स की सीट है वो 530 है 530 में से जो 30 सीटें हैं ये यूनियन टेरिटरीज को दी गई है ठीक है करेंटली जो है वो यूनियन टेरिटरीज के पास उन्नीस सीटें हैं जिसमें से दिल्ली के पास सात सीटें हैं अंडमान एंड निकोबार के पास एक सीट है चंडीगढ़ के पास एक सीट है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के पास दो सीटें हैं लक्षद्वीप के पास एक सीट है पुदुचेरी के पास एक सीट है जम्मू एंड कश्मीर के पास पाँच सीटें हैं याद रखिएगा पाँच सीटें हैं और लद्दाख के पास एक सीट है ठीक है इसके साथ ही जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो हैं आठ जिसमें दिल्ली के पास तीन हैं पुदुचेरी के पास एक है और जम्मू एंड कश्मीर के पास चार सीटें हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सभी जो यूनियन टेरिटरीज़ को दी गई सीट्स हैं वो उसका बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है कि आर्टिकल 240 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर रूल कर सके उनके लॉज से रिलेटेड कुछ रूल्स बना सके ठीक है तो उन उनपे लॉज या फिर रूल्स बना सके ऐसा आर्टिकल 240 में दिया हुआ है ठीक है तो प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेट करती है यूनियन टेरिटरीज को और इसमें कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं जैसे 241 फोर्टी वन सब क्लॉज है और इसका सब क्लॉज है ए जिसमें अंडमान एंड निकोबार का मेंशन मिलता है ठीक है उसके बाद लक्षद्वीप आता है जो कि 240 बी का पार्ट है और दादर ए नागर हवेली 240 सी का पार्ट है ठीक है उसके बाद दमन एनदीव दो सौ सब क्लॉज वन के डी का पार्ट है और पुदुचेरी जो है वो 240 सौ ई का पार्ट है ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन सा गलत है ठीक है तो अभी क्या है करेंटली दमन दीव को दादर ए नागर हवेली का पार्ट बना दिया गया है ठीक है तो इसलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रिपील कर दिया गया है निरस्त कर दिया गया है ठीक है तो अब ये डी जो है वो मेंशन नहीं होता है ये सी के साथ ही जोड़ दिया गया है इसको दमन एंड दीव को भी ठीक है तो इतनी ही बातें आपको याद रखनी है जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि कौन से राज्य का गठन कब किया गया था ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो भी बनते हैं स्टेट्स के बेसिस पे या फिर यूनियन टेरिटरीज पे वो इसी पर्टिकुलर चार्ट से ही बनाए जाते हैं ठीक है ठीक है इसी पे बेस्ड आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं साथ ही जो घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में सिटीजनशिप तो भारतीय संविधान के भाग दो के अंतर्गत अनुच्छेद पाँच से ग्यारह तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है ठीक है पार्ट टू आर्टिकल फाइव से लेकर इलेवन तक नागरिकता के बारे में बातें बताता है ठीक है भारत में ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता का प्रावधान है ठीक है सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है सिर्फ कंट्री की सिटीजनशिप होती है किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है इंडिया में ठीक है इसके साथ ही अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है ठीक है तो आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को ये राइट देता है पावर देता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो बना सकती है संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम उन्नीस पारित किया गया था इंडियन सिटीजन सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन पारित किया गया था ठीक है भारतीय नागरिकता जो है वो पांच प्रकार से प्राप्त की जा सकती है ठीक है तो पांच प्रकार से प्राप्त करने का जो ये पांचों ही प्रक्रिया हैं ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इन सभी को आपको याद करना है क्योंकि अक्सर इस पे क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे ठीक है तो सबसे पहला जो प्राप्त करने का तरीका है वह है जन्म ठीक है दूसरा है वंश परंपरा बाई डिसेंट By बर्थ बाई डिसेंट जिसको जनरेशन भी कहा जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपका जो सिटीजनशिप है वो ट्रांसफ़र करती है कि यदि कोई ब, बच्चा जो है जिसके माता पिता भी इंडियन है उसके माता पिता भी इन, आ, इंडियन थे और इस तरह से ये सीरीज़ चलती जाती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं ये सभी इंडियंस थे तो जो बच्चा पैदा हुआ है फैमिली में वो भी इंडियन ही होगा ठीक है उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी और बाय डिसेंट भी होता है और साथ ही रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है इंडियन एम्बेसी में जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है उसके माध्यम से भी सिटीजनशिप मिल जाती है जिसमें कुछ प्रावधान होते हैं उसके बाद देशीकरण जिसको नेचुरलाइजेशन कहा जाता है और साथ ही अर्जित भूमि के समामेलन के द्वारा ठीक है बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड ठीक है तो यदि इंडिया जो है वो किसी और देश का लेट सपोज बांग्लादेश का कोई हिस्सा जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है तो उस पर्टिकुलर जो भी हिस्सा इंडिया का पार्ट बना है उसके सभी नागरिकों को इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप मिल जाएगी तो इस तरह से अर्जित भूमि के समामेलन के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जाती है इसके साथ ही तीन तरीके हैं जिससे भारतीय नागरिकता यदि किसी व्यक्ति के पास इंडियन सिटीजनशिप है तो वो खत्म हो सकती है निरस्त हो सकती है तीन तरीके हैं पहला जिसमें किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है गई हो ठीक है तो कोई व्यक्ति है जो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले, ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप कैंसिल हो जाती है ठीक है तो इंडिया में प्रावधान नहीं है दोहरी नागरिकता का यहाँ पे उसकी जो सिटीजनशिप थी इंडिया की वो कैंसिल हो जाएगी और किसी और कंट्री की अब वो सिटीजन माना जाएगा इसके बाद दूसरा है नागरिकता त्याग करना यदि कोई इच्छा से अपनी रिनाउंस कर देता है इंडियन सिटीजनशिप तो ये भी एक तरीका है जिससे आप सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करना ठीक है तो यदि कोई ऐसा कारण पाया गया जिसमें कि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसे काम किए हों जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं तो सरकार उसको सिटीजनशिप से वंचित कर देती है ठीक है तो यहाँ पे पाँच से लेकर ग्यारह तक के जो आर्टिकल है वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर फाइव आर्टिकल नंबर फाइव फाइव कहता है कि वो सभी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र के मूल निवासी हैं ठीक है उनको भारत का नागरिक नागरिकता प्रदान की जाती है तीन इसके सब क्लॉज हैं पहला कि उसका जन्म भारत में हुआ हो दूसरा उसके माता पिता और अन्य जो परिवार के सदस्य हैं उनका जन्म भी भारत में हुआ हो और साथ ही संविधान लागू होने के पाँच वर्ष पूर्व जो हैं वो भारत में पाँच वर्ष पूर्व से जो भारत में रह रहे होते हैं ठीक है ये सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो यदि फॉलो किया जाता है तो भारत का जो संविधान है वो नागरिकता प्रदान करता है इंडिया की सिटीजनशिप उस व्यक्ति को मिल जाती है ये अनुच्छेद पाँच में कहा गया है अनुच्छेद छ, छ छ आर्टिकल सिक्स में कहा गया है पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध दिए गए हैं ठीक है तो ऐसे कोई व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से इंडिया गए हैं इंडिया आए हैं मतलब हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं तो वो सभी लोग जो पहले पाकिस्तान में थे और अब इंडिया में आ गए हैं पार्टीशन के बाद उन सभी को नागरिकता प्रदान की जाती है इसमें भी एक तारीख दी गई है 19 जुलाई 1948, ठीक है तो इससे पहले यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको अपने आप ही सिटीज़नशिप मिल जाती है इंडिया की मतलब पार्टीशन के टाइम पे तो वो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन उसके बाद इस टाइम पे आ गए थे और उनके जो आ, आ, दादा दादी माता पिता ये जो अन्य रिलेशन हैं ये सभी अविभाजित जो भारत है उसमें इन्होंने जन्म लिया था ठीक है तो इस इससे पहले जो भारत में आ गया इ, इंडिया का पार्ट हो गया पाकिस्तान गए थे पार्टीशन के टाइम लेकिन वापस इंडिया आ गए, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी गई इस तारीख के बाद जो लोग आते हैं उनको पंजीकरण करवाना रहता है रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है और साथ ही छः महीना तक भारत में निवास करना रहता है ठीक है तो ये सभी प्रावधान बनाए गए हैं आर्टिकल छः के तहत उसके बाद अनुच्छेद सात में पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के आधार के बारे में अधिकार के बारे में बताया गया है ठीक है तो यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है ठीक है इसके बारे में कुछ उपबंध हैं तो अगर इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान पाकिस्तान की सिटीजनशिप आपने ले ली तब तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप रद्द हो जाती है लेकिन यदि आप वापस चले आते हैं ठीक है और इसके लिए भी एक डेट दी गई थी एक मार्च 1947 ठीक है ठीक है तो एक मार्च 1947 के पश्चात भारत से यदि कोई पाकिस्तान गया और कुछ कारणों से वो वापस से इंडिया आ जाता है तो उसके लिए भी यही प्रावधान है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और छः माह के लिए इंडिया में ही निवास करना रहेगा उस तरह से आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी ऐसा आर्टिकल सेवन में दिया हुआ है ठीक है उसके बाद अनुच्छेद आठ में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है ठीक है तो यहाँ पे स्पेशल फोकस किया गया है एनआरआईस पे साथ ही पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन ओवरसीज सिटीजन ठीक है तो एन आर आई पी पी आई ओ और आई ओ सी इनके बारे में जो उपबंध हैं, उनके बारे में बातें जो है वो अनुच्छेद आठ में कही गई है फिर आर्टिकल नौ के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी ठीक है उसको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा बताना नहीं है बस उसने नया सिटीजनशिप ले लिया है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए दस वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है ठीक है तो नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें दस वर्षों तक आपको निवास करना पड़ता है और साथ ही यदि कोई प्रवासी व्यक्ति है तो उसको अपने देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ता है ठीक है तो इस तरह से बाई नेचुरलाइजेशन देशीकरण के आधार पर व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल जाती है नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम उन्नीस की धारा फाइव वन ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में सात वर्ष बिताने होंगे ठीक है तो यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के सात वर्षों के तक आपको इंडिया में ही रहना है यहीं पे निवास करना है इस तरह से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको सिटीजनशिप मिल जाती है संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है ठीक है तो जो जो भी शर्त होगी उसको जब भी चेंज हो करना होगा तो इसकी पावर पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास है वर्ष दो के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई थी जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देश के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा ठीक है तो यहाँ पे जो एक संशोधन किया गया था वर्ष 2005 की बात कर रहा है तो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं इनको छोड़ के जो बाकी सभी देशों में भारतीय मूल के नागरिक हैं उनको अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा ठीक है इसके बाद दस जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया था जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सी ए के नाम से जाना जाता है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था उस वक्त पे, काफ़ी न्यूज़ सिटीजनशिप को लेके आती थी न्यूज़ में अक्सर रहता था कि इस पर कई चर्चाएँ होती थी क्योंकि इसके कुछ प्रावधान जो थे वो कुछ लोगों को या फिर कुछ अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ स्पेशल रिलीजन को फोकस करके ही सिटीजनशिप दी जा रही थी ठीक है जैसे यह अधिनियम जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू ठीक है यहाँ पे रिलीजन देखिए हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई इन सभी धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान था ठीक है अभी यहाँ पे जो सभी इस देश के जो अप्रवासी लोग हैं यहाँ से जो अवैध रूप से प्रवास करके इंडिया में घुस गए हैं उन सभी में से जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी बाकी सभी धर्मों के लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी इस वक्त उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान है या अदर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश हुई या फिर जो और भी श्रीलंका वगैरह ये सब जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसमें जो हिंदू हैं सिख हैं बौद्ध हैं जैन हैं पारसी हैं और ईसाई हैं ये सभी माइनॉरिटीज़ में हैं और ये मुस्लिम एरिया है तो अगर अफ़ग़ानिस्तान की बात की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में हैं ठीक है ठीके? इन इन तीनों देशों की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्पेशली इससे पहले जो देश के नाम लिए थे उ, उसके लिए वो वो देशों कंसिडर नहीं कर, करना है हम लोगों को अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश पर ही फोकस करना है ठीक तो है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसके जो इसमें मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और माइनॉरिटीज़ में कौन है जो हिंदू हैं सिख हैं बौद्ध हैं जैन हैं पारसी हैं और ईसाई हैं ठीक है तो ये जो माइनॉरिटीज़ यदि ये अवैध तरीके से प्रवास करती हैं भा, भारत में तो इनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी इसके लिए भी एक डेट दी गई थी कि इस डेट से पहले यदि कोई व्यक्ति प्रवेश कर चुका है तो उसको भा, भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी ठीक है इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान था जिन्होंने 21 दिसंबर 1914 सॉरी 2014 21 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेट दी गई थी जिसमें कि इन पर्टिकुलर अवैध प्रवासियों ने एंट्री ली थी इंडिया में डेट है 31 दिसंबर 2014 ठीक है तो यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है देख सकते हैं आप 31 दिसंबर 2014 ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आता है ये जो अधिनियम है ये संविधान की छठी अनुसूची में शामिल जो राज्य हैं उन पर लागू नहीं होता है ठीक है तो कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं जैसे कि ए एम टी एम मैंने आपको याद करवाया था असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा जो कि सिक्स शेड्यूल में आते हैं इन सभी राज्यों में जो अवैध रूप से प्रवासी एंट्री कर लेते हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी इसके साथ ही कुछ और भी हैं जैसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 में जो राज्य आते हैं उनमें भी ऐसे अवैध प्रवासियों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी क्योंकि इस इसके तहत अधिसूचित जो इनर लाइन है इनमें आने वाले क्षेत्रों में भी ये लागू नहीं होगा क्योंकि इन राज्यों में प्रवेश करने के लिए लैंड लेने के लिए साथ ही रहने के लिए हमें एक इनर लाइन परमिट जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का वो लेना पड़ता है इसमें कुछ राज्य आते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं एक तो अरुणाचल हो गया मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम लक्षद्वीप एंड हिमाचल प्रदेश ठीक है इसके कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र और साथ ही लक्षद्वीप के ठीक है तो यहाँ पे ये सभी राज्य जो हैं इनमें यदि कोई अप्रवासी अवैध तरीके से जो विदेश से जो लो, लोग आते हैं गलत तरीके से एंट्री कर लेते हैं उनमें उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी ठीक है तो ऐसे कुछ प्रावधान जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ठीक है यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का सिटीजनशिप से रिलेटेड सभी टॉपिक्स जो भी आपके आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इसके साथ ही यहाँ पे कोई भी टॉपिक जब ख़त्म होता है तो वो बस यहाँ पे थ्योरी पोर्शन ख़त्म हुआ है इसके क्वेश्चंस यदि आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आपको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नोट्स के साथ हालाँकि मैंने ये जो नोट्स हैं ये प्रिपेयर किए हैं प्रीवियस ईयर जो कॉम्पिटिशन में आपसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के माध्यम से आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया गया है लेकिन अगर आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी जो नॉलेज है वो ज्यादा इन्हेंस होती है ठीक है तो इसके साथ ही ये जो सिटीजनशिप का टॉपिक था ये एंड होता है और इससे पहले जो हमने स्टेट्स और यूटीज के बारे में पढ़ा है ये भी टॉपिक एंड होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में इससे पहले कि मैं सेशन uh, एंड करूं मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूं तीन क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाली हूं सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का गठन कौन से ईयर में हुआ था ठीक है कौन से ईयर में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड इन तीनों राज्यों का गठन कब हुआ था ईयर और डेट तीनों ही आपको मेंशन करनी है ठीक है तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकारी के लिए देख लीजिए आप लोग कि एन आर आई पी आई ओ और इंडियन ओवरसीज सिटीजन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओ इसमें क्या फर्क होता है ठीक है तो ये सभी 2015 में ओ को ही को भी पी का पार्ट बना दिया गया था ठीक है तो एन आर आई नॉन रेजिडेंट इंडिया इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ठीक है और साथ ही ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इन तीनों में क्या फ़र्क होता है 2015 में इसको और इसको मिला दिया गया था uh, तो इन सभी चीज़ों में क्या डिफरेंस है ये आपको देखना है जानकारी के लिए आप लोग इसको पढ़ सकते इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगी कि एन आर में क्या फ़र्क होते हैं किस लिए इनके नाम ये ये रखे गए हैं साथ ही इनसे रिलेटेड कुछ प्रावधान बनाए गए हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊंगी साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में ने हम लोग फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड मूल अधिकारों से रिलेटेड बातें जो हैं प्रावधान जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो हम लोग देखेंगे लेक्च, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और लोगों को भी जानकारी दे सकते हैं यू हिंदी चैनल के बारे में साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं इनके बारे में कोई भी सुझाव हो वो आप लोग लो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो इसको रिवाइज़ करते रहिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी जहाँ पे भी जो भी सोर्सेज हैं आपके क्वेश्चंस के वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से ये जो टॉपिक्स हैं ये सभी कवर हो चुके हैं रिवाइज़ करते रहिए अपने नोट्स से रिवाइज़ करते रहिए साथ ही साथ ही जो वीडियोज़ हैं उनको बार बार देखिए ठीक है तो इससे क्या होगा आपका प्रॉपर रिवाइज़ हो जाएगा आज के लेक्चर में बस इतना ही थैंक यू एवरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर